हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिद्धू मूसे वाले के बारे में कि सिद्धू मूसे वाले को कैसे लोग अलग मानते थे या वो क्या क्या चीज़ें थी जो सिद्धू मूसे वालों को दूसरे आर्टिस्ट से अलग बनाती थी, दूसरे कलाकारों के। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसी दोस्तों क्या वजह थी जो लोगों को 28 साल के युवा कलाकार यंगेस्ट कलाकार से प्यार हो गया या लोग उसे पसंद करने लगे? सिद्धू ने अपने 4 सालों में वह हासिल किया था जो कई कलाकार अपने पूरे करियर और कई दशकों में भी हासिल ना कर सके। अपने पहले गाने जी बैगन से लेके आखिरी गाने लेवल्स तक सिद्धू ने इंडस्ट्री में अपनी जगह टॉप पर ही बनाकर रखी थी। और ऐसा क्या था दोस्तों सिद्धू के अंदर जो सिद्धू को दूसरे कलाकारों से अलग बनाता था? तो दोस्तों इस वीडियो में हम सबको जानेंगे पॉइंट्स के जरिए। 7 पॉइंट्स में दोस्तों आपको वो बातें क्लियर करूंगा मैं, कौन कौन सी बातें थी सिद्धू के अंदर जो दूसरों से अलग बनाती थी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है राइट और रॉन्ग, ही वॉज द रियलिस्ट। सिद्धू मूसेवाले की अपनी उनकी राय हो या उनके अपने विचार हो, ये सही हो या गलत हो, वे अपने विचार और बात को किसी के सामने रखने से डरते नहीं थे और ना ही कभी पीछे हटते थे। यहाँ तक कि गानों में भी उन सामाजिक मुद्दों पे बात करने से पीछे नहीं हटते थे जिनके बारे में इंडस्ट्री में कई लोग बात नहीं करना चाहते थे। कई लोग उनके विचारों से सहमत थे और कई लोग उनके विचारों से असहमत होते थे। और यही दोस्तों कुछ ये बात जो है दोस्तों वो थी दोस्तों सीरियल होने की। सिद्धू मूसेवाले जैसे भी थे, जो भी थे, वो वही चीज़ दिखाते थे अपनी गानों में भी और रियल में भी वैसे ही थे। नंबर 2, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। सिद्धू मूसेवाले का एक सॉन्ग था जो उसका नाम था आई डोंट गिव अ फक। उसमें दोस्तों एक लाइन थी, लोक लेवला लाल साइन हुंदे सिद्धू मूसेवाला लेवल है नी। दोस्तों ये लाइन सिर्फ एक मजाक नहीं थी, हालांकि सिद्धू मूसेवाले म्यूजिक लेवल के माध्यम से उन्होंने कई ट्रैक जारी किए थे, वह भी देश का सबसे बड़ा, और अधिकांश डिस्कोग्राफी उनके अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल सिद्धू मूसेवाले पर ही जारी की गई हैं। और वह यूट्यूब पर 17 मिलियन से ज़्यादा अधिक सब्सक्राइबर वाले पहले इंडिपेंडेंस एंड पंजाबी आर्टिस्ट बन चुके हैं। एक ऐसी उपलब्धि जिससे अन्य पंजाबी कलाकार बहुत पीछे हैं, जहां आज देश के अधिकांश कलाकार बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियों पर भरोसा करते हैं और बड़े बड़े लेवल्स के साथ काम करने का अपना सपना देखते हैं, वहीं सिद्धू मूसेवाला अपने दम पर टॉप पर आए थे। नंबर 3, ही रोथ व्हाट ही फेस्ड इन रियल लाइफ। सिद्धू मूसेवाले के ट्रैक में हमें जो कुछ भी सुनने को मिला वह सब उनके अनुभवों से प्रेरित था। उन्होंने तिबिया दापोत की कहानियाँ लिखी, यहाँ तक कि वे गाने में जिसमें उनकी मौत या उन्हें जान से मारने की धमकियों के बारे में बात की गई है सच थे। यही एक बड़ी वजह है कि आज उनके निधन के बाद सिद्धू मूसेवाले के किसी की ट्रैक को सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे वह भविष्य के बारे में बात कर रहे हों। उन्होंने वह लिखा जिससे लाखों लोगों को प्रेरित किया और लोग उनसे जुड़ाव महसूस करने लगे। नंबर 4, ही कुड राइट एंड सिंग एनी वर्ड्स। सिद्धू मूसेवाले के विभिन्न उदाहरण पर यह साबित किया कि वे केवल बंदूकों और वायलेंस पर गाने लिखने वाले गीतकार नहीं थे। उन्होंने 295 और लवसेक जैसे गानों में सामाजिक मुद्दों के बारे में लिखा। उन्होंने ईट साइड फ्लो और जस्ट लिसन जैसे गानों में अपने जीवन के बारे में लिखा। उन्होंने सोने लग दे और आजकल वे जैसे प्रेम और रोमांटिक गाने भी लिखे थे। नंबर 5, ग्लोबल फिगर। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ पंजाब या पंजाबी दर्शकों व्यूअर्स तक ही सीमित नहीं थे, वह बहुत कम पंजाबी सिंगर्स में से एक थे जिन्होंने वैश्विक मंच पर पंजाबी संगीत और समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। अंतर्राष्ट्रीय स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक और आईट्यून चार्ट पर बिलबोर्ड पर पगड़ी द गर्जियन द्वारा उन्हें 2020 के 50 उभरते कलाकारों में भी नामित किया गया था। उन्हें किसी भी अन्य पंजाबी कलाकार की तुलना में अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला। नंबर 6, ए फिगर टू आइडलाइज। काफ़ी सालों बाद व्यूअर्स को एक ऐसी शख्सियत मिली जिसे वह अपना आइडल मान सकते हैं। हालांकि सिद्धू मूसेवाले ने संगीत म्यूजिक में हिंसा और बंदूकों के बारे में खूब बात की, लेकिन उन्होंने अपने पूरे म्यूजिक करियर में एक बार भी ड्रग्स या शराब का जिक्र नहीं किया। उन्होंने अपने किसी भी गाने में लड़कियों को आपत्तिजनक नहीं बताया। लोग न केवल सिद्धू मूसेवाले को म्यूजिक में लाए गए बदलाव और लहर के लिए अपना आइडल मानते थे, बल्कि उनके व्यक्तित्व को देख कर भी उन्हें अपना आइडल मानते थे। नंबर 7, पर्सनल अटैचमेंट
विद फैंस। सिद्धू मूसेवाले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनका निजी जीवन फैंस से छुपा हुआ रहता है। हर कोई जानता था वह कहाँ रहते हैं, किस टाइप के इंसान हैं और वो कैसे हैं। मतलब उनका पूरा नेचर हर इंसान जानता था, उनके फैंस सब कुछ उनके बारे में जानते थे और वो अपनी सारी बातें अपने फैंस के साथ शेयर किया करते थे। उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई वह कोई सेलिब्रिटी है। वह उनके बीच रहे, उनसे बात की, उनकी बातें सुनी और उन्हें घर जैसा महसूस कराया। भले ही वह इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन वह अपने गांव में लोगों के बीच ही रहा करते थे हमेशा। दोस्तों, ये सभी सातों बातें जानने के बाद, सातों पॉइंट जानने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि सिद्धू मूसेवाले दूसरे सिंगरों से या दूसरे कलाकारों से अलग क्यों थे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।